नमस्कार। हम ने पिछले टर्न पर पीसीज में स्केल्स के प्रकारों के बारे में और साथ ही साथ जो कोडल फिन में मॉडिफिकेशन है उनके बारे में कुछ डिटेल्स देखी थी। आज हम अन्य जो पेयर्ड एंड अनपेयर्ड फिन से अनपेयर्ड एक्सेप्ट कॉडल उनके बारे में बात करेंगे। मैं डॉक्टर प्रकाश चंद शर्मा, डिपार्टमेंट ऑफ जियोलॉजी, सम्राट पृथ्वीराज चौहान, गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। तो फिन्स के अंदर हम फिन की बात करें तो यहाँ पर फिन्स को सपोर्ट करते हैं पेक्टोरल और पेल्विक गर्डल्स, और ये पेक्टोरल और पेल्विक गर्डल पेयर्ड फिन्स के जो स्केलेटन है उनके साथ मिलकर के अपेंडिकुलर स्केलेटन फॉर्म करती हैं। ज्यादातर नेथोस्टोमेट फिशेस के अंदर पेक्टोरल और पेल्विक दोनों मौजूद होती हैं, पेक्टोरल और पेल्विक फिन, लेकिन कई इलोंगेटेड फिशेस के अंदर जैसे कि ईल के अंदर जो बॉटम के यानी कि तल का ऊपर रिंगल करती हैं उनके अंदर अक्सर पेल्विक फिन एब्सेंट होती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पेक्टोरल फिन की, जो पेक्टोरल गर्डल के जरिए सपोर्ट होती है। तो ये जो पेक्टोरल गर्डल है ये ब्रेस करती हैं एंटीरियर पेयर ऑफ अपेंडेज को, और यही एंटीरियर पेयर ऑफ अपेंडेज जो है यानी कि अग्र सिरे की तरफ जो अपेंडेज है उसको हम पेक्टोरल फिन कहते हैं। तो पेक्टोरल फिन जो है अगर हम इसकी बॉडी पर पोजीशन देखें तो ये लोकेट हो सकती है काफी हाई साइड्स पर बॉडी के मिडलाइन के आसपास या मिडलाइन के नीचे, ये लॉन्ग हो सकती है, पॉइंटेड हो सकते हैं या चौड़े और कुछ राउंडेड भी हो सकते हैं। पेक्टोरल फिन डिफरेंट जो फिशेस हैं उसमें अलग अलग तरीके आपको स्वरूप देखने को मिल सकते हैं। अधिकांश फिशेस के अंदर ये जो फिन्स है, ये पेक्टोरल फिन्स है, ये न केवल स्टेबलाइजर के तौर पे काम में करते हैं बल्कि इसके अलावा एक डाइविंग प्लान्स के रूप में भी ये कार्य में आते हैं। तो ये एक इस तरीके से एंगल पर सेट करती है फिश जब वो मूव करती है जिसके कारण ये लिफ्ट जनरेट करते हैं इसके एंटीरियर पार्ट का। तो इस कारण से वो ये फिश आगे की तरफ लिफ्ट होते हुए ऊपर की तरफ ये मूव करती है। कई फिशेस के अंदर ये थ्रस्ट जनरेशन का भी कार्य करते हैं। अगर पेक्टोरल फिन में हम वेरिएशन की बात करें तो थ्रेड फिन्स जो हैं, ये थ्रेड फिन्स जो कि पॉलीनिमिडी फैमिली पाए जाते हैं ये पेक्टोरल फिन्स ही होते हैं, लेकिन ये नीचे की तरफ दो पार्ट्स में डिवाइड होते हैं। जो लोअर पर पोर्शन है वो उसके अंदर कई सारे लंबे फिलामेंट्स मौजूद होते हैं, जैसे आप यहाँ पर ये देख रहे हैं इसमें कई सारे लंबे फिलामेंट हैं जो कि एक टेक्टाइल ऑर्गन के रूप में भी वर्क करते हैं। जबकि बेट फिश जो कि ये एग्जांपल दे रखा है, बेट फिश में आप देखेंगे जो कि ओकोसिफेलिडी की होती हैं, उनमें जो पेक्टोरल फिन्स होती हैं उनकी स्थिति बहुत अलग तरीके की होती है, वो पेल्विक फिन के पीछे होती है। ये आप जो देख रहे हैं दीज आर पेल्विक फिन्स और ये पेक्टोरल है जो लोकेट कर रही है पेल्विक फिन के पीछे। तो ये पोस्टीरियर टू पेल्विक फिन होते हैं
और बॉटम पर, क्योंकि ये बॉटम ड्वेलर है, बॉटम पर वॉक करने के, ये वॉकिंग के काम में आते हैं। पेल्विक फिन्स को अगर हम देखें तो पेल्विक फिन्स को गर्डल, जो पेल्विक गर्डल है वो ब्रेस करती है, बनाती है ब्रेस करते हुए। तो पेस्टीरियर पेयर ऑफ अपेंडेज है, जो कि शार्क और अधिकांशतः जो एंसेस्ट्रल बोनिफिसेस हैं, जैसे कि आप सालमन देख लीजिए, काप देख लीजिए, शेड देख लीजिए, इनमें पेल्विक फिन वेंट्रली लोकेटेड होती है। ठीक है, जो पेक्टोरल फिन, जैसा आपको कहा कि मोर टुवर्ड मिड लाइन, ये पेक्टोरल फिन है, पेल्विक फिन की जो लोकेशन है वो वेंट्रल है, और ये बॉडी में पीछे की तरफ, रियर की तरफ होती है, और इस पोजीशन को, जो कि पीछे की तरफ की पोजीशन है, दिस इज कॉल्ड एब्डोमिनल पोजीशन। तो शार्क्स में और सालमन कार्प आदि में ये एब्डोमिनल पोजीशन पे पेल्विक फिन्स होती हैं, लेकिन जो नई टीलियोस्ट फिशेज हैं उनके अंदर अगर आप देखेंगे तो पेल्विक फिन की जो पोजीशन है वो कुछ एंटीरियर होती है, और पेक्टोरल फिन, ये पेक्टोरल फिन है, इसके थोड़ा सा जस्ट पीछे की तरफ आपको ये नजर आएगी, और ये जो पोजीशन होती है दैट इज कॉल्ड सब एब्डोमिनल पोजीशन। तो यहाँ पर ये सब एब्डोमिनल पोजीशन नजर आएगी कई के अंदर, कई टीडियोस्ट के अंदर ये जस्ट पेक्टोरल फिन के नीचे की तरफ मौजूद होती है, दिस इज कॉल्ड थोरेसिक पोजीशन, और कुछ में तो इवन ये पेक्टोरल फिन से आगे की तरफ मौजूद होती है, जिसे हम कहते हैं जुगलर पोजीशन। तो पेल्विक फिन जो है वो एब्डोमिनल पोजीशन पे हो सकती हैं, सब एब्डोमिनल पोजीशन पे हो सकती हैं, थोरेसिक पोजीशन पे पेल्विक फिन हो सकती हैं, या जुगलर पोजीशन पे भी पेल्विक फिन हो सकती हैं। ईल और ईल जैसी फिशेज के अंदर जो पेक्टोरल और पेल्विक फिन है वो कई बार एब्सेंट होती हैं या ग्रेटली रिड्यूस्ड होती हैं, जबकि जो बॉटम ड्वेलर्स हैं जनरली उनके अंदर जो पेल्विक फिन है वो मॉडिफाइड होती है इन टू ऑर्गन ऑफ होल्डिंग ऑन टू द सबस्ट्रेट या वॉकिंग के लिए, जैसे कि आपने बैट फिश में देखा। इसके अलावा कई और मीडियम फिन भी पाई जाती हैं, जो अनपेड होती हैं, जो कि बॉडी को स्टेबलाइज करने में असिस्ट करती हैं। इनमें एक या दो डॉर्सल फिन पाई जा सकती है, एक वेंट्रल एनल फिन हो सकती है, और कोडल फिन होती है। जैसे कि आप यहाँ पर ये देख रहे हैं, ये जो फिन है दैट इज डॉर्सल फिन, ये पीछे की तरफ आप देख रहे हैं, ये वेंट्रल फिन, एनल फिन, और ये कॉडल फिन है। यहां पर आप ये देख रहे हैं, ये डॉर्सल फिन्स है। तो डॉर्सल फिन, वेंट्रल, एनल फिन जो बिहाइंड द एनस हो सकती है, और कॉडल फिन हो सकती है। कॉडल फिन में कौन कौन से वेरिएशन आपको देखने को मिलते हैं, इसके बारे में हम पिछले टर्न पर डिटेल्स देख चुके हैं। इसके अलावा और अगर हम देखें तो कुछ प्रिमिटिव बोनीफिसेस जैसे सालमन, ट्रॉट, स्मेल्ट, जो कि सालमनी फॉर्मीज में आते हैं, इसके अलावा कैटफिश जो कि सिलेरी फॉर्मीज में आती हैं, कैरेकिंस जो कि कैरेक की फॉर्मीज में आते हैं, इनमें एडिपोज फिन भी मौजूद होती है। ये एडिपोज फिन, जैसे कि नाम से ही जाहिर है, मीडियन फिन है जो फ्लैशी है और डॉर्सली होती है ये, तो ये एक मीडियन फ्लैशी डॉर्सल फिन है जो कि कॉडल फिन के नजदीक मौजूद होती है, और इसके अंदर कोई इंटरनल स्टिफनिंग रेज या बॉनी एलिमेंट मौजूद नहीं होते, और इसको हम कहते हैं एडिपोस फिन। तो ये जो फिन्स हैं ये माइनर रोल प्ले करती है प्रोपल्सन में। ईल जैसी फिश में आप देखें तो इनके अंदर आपको पेक्टोरल और पेल्विक हाईली रिड्यूस मिल सकती है, एब्सेंट हो सकती है, लेकिन आपको लॉन्ग कंटिन्यू रन करने वाली डॉर्सल और एनल फिन्स देखने को मिलेगी, जो कि लगभग पूरी लंबाई में मोस्ट ऑफ द बॉडी की जो लेंथ है उसके ऊपर आपको दिखेगी। यहाँ पर आपको कुछ मॉडिफिकेशन भी देखने को मिलेंगे,
कैमेरा के मेल में जो पेल्विक फिन्स होती हैं स्केट्स में और भी पेरस शार्क में भी, तो ये इंटरनल फर्टिलाइजेशन में हेल्प करती हैं। और यहाँ पर मेल के अंदर ये होल्ड करने की डिवाइस के तौर पर काम आती हैं, जिसको हम क्लैस्पर्स कहते हैं। ये इंट्रोमिटेंट ऑर्गन के तौर बनाती हैं। इसी तरह कई के अंदर जो एनल फिन है वो इंट्रोमिटेंट ऑर्गन के रूप में मॉडिफाई होती है, जिसको हम गोनोपोडियम कहते हैं, जो कि कुछ मेल टीलियोस्ट में पाई जाती है, जैसे कि गप्पी फिशेज में या मोलीज में या फिर आप गंबूसिया में देख लीजिए, वहां पर एनल फिन जो है मेल में वो मॉडिफाई होकर के गोनोपोडियम फॉर्म करते हैं। काइमेरा में ये जो मॉडिफिकेशन होता है वो पेल्विक फिन में होता है और वो क्लैश परफॉर्म करती है, तो ये मॉडिफिकेशन आपको देखने को मिलता है। तो यहाँ पर ये जो दोनों मॉडिफिकेशन आप क्लैस्पर और गोनोपोडियम के दिख रहे हैं, तो ये जो ऑर्गन है वो फर्टिलाइजेशन को इम्प्रूव करने के लिए कार्य में आती है, ताकि अच्छी तरीके से इंटरनल फर्टिलाइजेशन हो सके। अधिकांश फिश में आप देखेंगे तो जो पेयर्ड और अनपेयर्ड फिन्स है ये दोनों ही प्राइमरीली स्टीयरिंग और स्टेबलाइजिंग के लिए कार्य आती हैं, बजाय की प्रोपल्सन में। ज्यादातर जो प्रोपल्सिव फोर्सेज आती है वो कॉडल फिन से आती है, ये याद रखिएगा कि प्रोपल्सिव जो फोर्स आती है वो ज्यादातर कॉडल फिन्स के जरिए क्रिएट होती है, और उसके आसपास का जो इलाका है उससे क्रिएट होती है, जिसे हम कॉडल पेडेंकल कहते हैं, यहाँ से ये क्रिएट होती है। तो ये जो पेयर्ड और अनपेयर्ड फिन्स है ये स्टेबलाइजिंग का कार्य और स्टीयरिंग का कार्य मुख्य तौर पे करती हैं, प्रोपल्सन का नहीं करती। तो यहाँ हमारा ये टॉपिक हम समाप्त करते हैं। धन्यवाद।